यूपी में सपा प्रसपा का सियासी मिलन होगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य की गर्त में है। मगर भतीजे अखिलेश यादव की तरह चचा शिवपाल यादव भी चुनावी होमवर्क में पूरी जान लगा रहे हैं। टीम प्रसपा में जोश भरने शिवपाल सिंह यादव अब रोहिलखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए संघर्ष के साथी वीरपाल सिंह अपना लश्कर लेकर पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। शिवपाल अपनी पार्टी के मुखिया हैं तो कभी रोहिलखंड में समाजवादी जड़ों को सींचने वाले वीरपाल प्रसपा में नंबर दो की हैसियत रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बरेली दौरे की तैयारियों को लेकर शुरू हुई सियासी सरगर्मियों की खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। यूपी की समाजवादी सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुछ महीने बाद होने जा रहा विधानसभा चुनाव चाचा शिवपाल यादव की प्रसपा के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर अकेले अपने दम पर पार्टी के रथ को रण में उतारेंगे। सपा से मेल मिलन के सवालों पर प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव पहले भी कई तरह से अपनी बात रखते रहे हैं। एक दिन बाद वह परिवर्तन रथ लेकर बरेली आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है चुनावी सरगर्मियों के बीच उनके सामने यहाँ सपा से मिलन या दूरी के सवाल फिर से उठना तय हैं। रोहिलखंड के प्रमुख समाजवादी नेता एवं पूर्व सांसद प्रसपा के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव वीरपाल सिंह यादव पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह के बरेली दौरे को लेकर खास तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर मीडिया से बातचीत की है, आप भी सुनिए खबरची न्यूज के साथ बातचीत में क्या क्या बोले वीरपाल सिंह यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरपाल सिंह यादव जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव। हम वीरपाल जी से जानेंगे, सर रोहिलखंड में आपने समाजवादी जड़ों को सींचा है, बड़ा मुकाम हासिल किया आपके नेतृत्व में पार्टी ने। इस समय पार्टी अलग धारा में और समाजवादी पार्टी अलग धारा में, किस तरह से मिलन की बातें हो रही हैं और कैसे रोहिलखंड को लेकर भविष्य की राजनीति को सोच रहे हैं आप? मुझे इस बात की तो खुशी है कि कम से कम यहाँ पत्रकार साथी भी इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को बनाने वाले रोहिलखंड में वीरपाल ही थे। अब कुछ नाइतफाकी हो गई, माननीय शिवपाल सिंह तो लगातार इस प्रयास में हैं कि गठबंधन हो, समझौता हो और समाजवादी पार्टी उनकी प्राथमिकता में है। अब क्या कारण है ये तो वही लोग बताएंगे और मुझे लगता है ये है कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी बरेली आ रहे हैं, उसी दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बरेली दौरा लगा है। उधर वो टिकटों का कल उन्होंने टिकटार्थियों का इंटरव्यू लेने का उनका कार्यक्रम है, क्या टिकटों को लेके आप रोहिलखंड की टिकटों को लेके कल बात होगी? नहीं, वो ये तो एक इत्तेफाक है, उनका अपना प्रोग्राम लगा होगा, इनका प्रोग्राम बहुत पहले से घोषित था। अब टिकटों की बात जहाँ तक रही वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों से बात करेंगे, हम अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों से बात करेंगे और ये तो होना है कि कोई चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं रह गए तो हम लोग सब प्रत्याशियों को तय कर रहे हैं, उनकी हैसियत को आंक रहे हैं, उनकी गतिविधियों को आंक रहे हैं कि कौन अच्छा लड़ेगा कौन अच्छा नहीं लड़ेगा, इस संबंध में हम लोगों की भी चर्चा हो। बरेली के सियासी हलकों की निगाहें आप पर टिकी हैं, भितरी से आप चुनाव लड़ते रहें, ये अजीब सा संयोग रहा या दुरयोग कहा जाए, आप करीबी मुकाबले में दो बार चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या रणनीति है? अब ये हमारा जो दुर्भाग्य है, दोनों बार हम बहुत नज़दीक जाके हार गए, अब की प्रयास होगा कि जो कमी हमने पीछे छोड़ दी है वो न छूटे, चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव सदा इस मत के रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी समान विचारधारा के दल एक होकर पहले इस बड़ी बुराई को हरा गए और ये आज का प्रयास नहीं है उनका। आपको अवगत होगा कि 14 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने एक प्रयास किया था सारे विपक्ष के लोगों को, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे देवगौड़ा हों, चाहे चौटाला साहब हों, इन सारे लोगों को
माननीय नेताजी के यहाँ उन्होंने इकट्ठा कर दिया था, मगर उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए किसी कारणों से। अब भी उनका यही विचार है कि समान विचारधारा वाले दल सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। समान विचारधारा वाली अपने परिवार की पार्टी है, क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा प्रगतिशील का? किस प्रकार का चुनाव दोनों पार्टियां अगर मिलती हैं किस उस पर लड़ेंगी? नहीं, हम लोगों का तो यही प्रयास है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल भी, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानते हैं, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को मानते हैं, मुलायम सिंह की विचारधारा को मानते हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, सब एक हो जाएं और एक होकर पहले भारतीय जनता पार्टी को हरा दें। क्या चाचा भतीजे एक होंगे? अब हम लोगों का तो प्रयास है, चाचा का तो कई बार आपने बयान देखा होगा टीवी पर भी, अखबारों में भी, और उन्होंने सदा कहा है कि समाजवादी पार्टी हमारी प्राथमिकता में है। अध्यक्ष जी, शिवपाल जी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी में आप हैसियत रखते हैं, अगर गठबंधन की नौबत आती है समाजवादी पार्टी से तो कितनी टिकटों पर मान जाएंगे? नहीं, अब ये तो जब दोनों दलों के लोग बैठे हैं और की ज़रूरत नहीं है, वही दोनों लोग बैठे, अब उनका बैठ कर क्या निर्णय होता है? सीटें बीच में आने वाली नहीं हैं, अगर दिल मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। समाजी परिवर्तन रथ यात्रा निकाली, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य तो अभी हम बता रहे थे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं जनता के, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, आप लोग भी पेट्रोल डलवाते होंगे मोटरसाइकिल में, कार में डीजल डलवाते होंगे, तो पता लगता होगा एकदम जेब खाली हो जाती है। कहाँ पहुँच गया पेट्रोल, 100 रुपए से ऊपर, अब तो 104 या कितने हो गया। ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को क्यों निकालनी पड़ी, इस संबंध में आप लोगों को अवगत कराना है कि इस समय प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन हत्याएं, लूट और यहाँ तक के सत्ताधारी लोग अपनी कारों से किसानों को कुचल रहे हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी बेशर्माई के साथ मंत्री, गृह मंत्री अब तक इस्तीफा नहीं दे रहे। दूसरी तरफ भयंकर महंगाई, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे अन्य रोजाना उपयोग की वस्तुएं हो, सारी की सारी चरम सीमा पर महंगाई पहुंच गई। भ्रष्टाचार इतना कि तहसील और थानों में गरीब किसानों की और जो गांव का रहने वाला गरीब है उसकी लुटाई हो रही है सरेआम, कोई देखने वाला नहीं। ये मुद्दे जो हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की हत्याओं का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश की जनता को दूसरी तरफ भटकाया जा रहा है, इन मुद्दों से उनका ध्यान हटाया जा रहा है। तब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर निकलेंगे और हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में होकर निकलेंगे और वहां के किसानों को, नौजवानों को, जो गांव गरीब के लोग हैं, उन लोगों को अपनी सामाजिक रथ परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से जागरूक करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस तरह की जालिम सरकार को
नाकारा सरकार को 22 में उखाड़ कर फेंक दें, ये हमारा मकसद है ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज़।